रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें कमाल की बात बताता हूँ। पता है हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं? अगर हम अपने आप पे कंट्रोल ना रखें तो हमारे अंदर लड़ने की ताकत कम हो जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? और अगर तुम मुझसे नहीं लड़ पाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? पूरा महल जान मारा, कहां जा सकते हैं रेवा? कुंवर जी, महल के अंदर बाहर अच्छी तरह से देख लिया, राजकुमारी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? कहां जा सकते हैं रेवा? ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ सही नहीं है। अनिमा, अनिमा, आपने कहीं रेवा को देखा? आपसे कुछ कह के गई हो? नहीं तो क्या हुआ यश, रेवा महल में नहीं है? नहीं रानी मां, रेवा महल में नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे जैसे रेवा किसी बड़ी मुसीबत में है। हमारा दिल कह रहा है जैसे जैसे वो हमें याद करिए। यश, संभालो अपने आप को, यही कही गई होगी, हो सकता है अपनी माँ के घर गई हो। अगर माँ के पास गई होती तो आपको यह हमें बता के गई होती ना रानी मां? हम उसे सच्चाई बताने जा रहे थे कि दाई मां, रानी मां, आपने दाई मां से कुछ कहा? हमने तो उन्हें किसी काम से भवानीगढ़ के बाहर भेजा है। रानी मां, हमें लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। रुक जाओ यश, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, हो सकता है किसी काम से यही कहीं आसपास गई हो, आ जाएगी, इंतजार करते हैं हम। फॉरनर्स गेस्ट को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो अब खाने में स्पाइस थोड़ा कम रखिएगा। रूम्स की सफाई को लेकर बहुत फिनिकी होते हैं वो लोग, उस चीज का ज्यादा ज्यादा ख्याल रखिएगा। Am I clear? Yes, madam. Thank you. आंखों आंखों में गप्पे मारे जा रहे थे ज्योति मैम और शरद में, कुछ प्यार व्यार का तीर छूटता नजर आ रहा था मुझे। चुप कर, अपने काम पे ध्यान दे, कहीं मैम ने सुन लिया ना तो महल से बंदूक लाकर खाली कर देंगी तेरे ऊपर। चल हो, जो कुछ गोदाम में हुआ, सी आई एम थैंकफुल जो भी तुमने कुछ किया। आई नो, देखो जो कुछ हुआ हमारे बीच उसका ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार। जानता हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। सुनो, अगर कभी फैसला बदलने का मूड आए और जो कहकर भी नहीं कहा तो बंदा हाजिर है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्या बिगाड़ा है जो ऐसा कर रहे हो? बेदर्द हो तुम रेवा, जो हमारे प्यार को दुश्मनी का नाम दे रही हो। और रेवा, वो प्यार जो
जो हमारी सांसों में बसता है, वो प्यार जिसने हमें तुम्हारा दीवाना बनाया है। रेवा, रेवा, एक बार नजर उठाकर देखो, देखो गौर से। रेवा, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं मिल सकता है। यही प्यार हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते हैं। शादीशुदा औरत से प्यार की उम्मीद करना भी पाप है, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि हम किसकी पत्नी है। प्यार यश कुमार हमसे करते हैं, वो प्यार जिस पर सिर्फ उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है। उनके हक पर वही नजर डालने वाले के साथ वो क्या करेंगे, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो आएंगे, जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी गलती पर पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। देवा, तुम शायद जानती नहीं हो कि हम कौन हैं। आज तुम्हारे यश कुंवर की सांसें सिर्फ हमारी दया की वजह से चल रही हैं। वरना तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये तुम्हारी हाथ की चूड़ियां आज तुम्हारे पास नहीं होती। और रेवा, एक और बात, अगर आज यश ने यहां आने की गलती की ना, तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी।